महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं हो सका है। आज फिर से सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में शामिल जो तीनों दल हैं उनकी बैठक है और इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद नहीं रहेंगे और कांग्रेस की ओर से बालासाहेब थोरात जो हैं वो अपनी बात रखने जा रहे हैं। इस मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग समझौते का ऐलान जो है वो हो सकता है। बैठक से पहले बाबा साहेब थोरात ने शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की है। इसके बाद वो उद्धव ठाकरे से भी मिलने पहुंचे। शरद पवार से बैठक के बाद थोरात ने कहा कि गठबंधन में कोई फूट नहीं है, कुछ सीटों को लेकर विवाद है जो जल्द खत्म हो जाएगा। नाना पटोले से बातचीत की है हमारी सहयोगी राधिका ने। कब आप अनाउंस कब करेंगे? आज मीटिंग्स हो रहा है लेकिन बहुत सारे डिस्प्यूट्स है शायद आपके और सेना के बीच। देखो महायुति में भी इससे ज़्यादा डिस्प्यूट है। आप उनके बंगलों पे जाइए, कितना लोगों का हमला चल रहा है नेताओं के, बीजेपी के और एकनाथ शिंदे के। तो ये सीट शेयरिंग में सब तरफ ये डिस्प्यूट रहने वाला है। आजकल में हमारे महाविकास अघाड़ी में ख़त्म होगा ऐसा आज मैंने बाला साहब थोरात जी को उद्धव ठाकरे जी से और शरद पवार जी से मिलने भेजे थे। अभी हमारा मीटिंग है, उसमें क्या हुआ मीटिंग में और 1 बजे से और महाविकास अघाड़ी का मीटिंग है, उसके बाद बहुत सारा जो है डिस्प्यूट वो ख़त्म होगा ऐसा हमें उम्मीद है। सब विदर्भ सीट्स के ऊपर है ज़्यादातर डिस्प्यूट, ऐसा कह रहे हैं कि सेना इज़ नॉट रेडी टू कंसीड दो सीट्स, लेकिन उधर आपके स्ट्रेंथ है, कांग्रेस के स्ट्रेंथ है, तो उसके बारे में बताइए। कल राउत सर ने कहा कि हमको भी कुछ सीट चाहिए विदर्भ में और कांग्रेस को भी कुछ सीट चाहिए, कांग्रेस लीडर्स कह रहे हैं। देखो हमारी एकदम क्लियर यह है कि हम लोगों ने 96 सीट पे हम लोगों ने स्क्रूटनी कर ली है और 96 का अभी कल CAC में भी हमारा प्रस्ताव आ गया है। तो जो मेरिट की जगह है वो कांग्रेस लेंगी। आखिरी महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व बनता है और महाविकास अघाड़ी के हमारे सभी साथी दल वो हमारे साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ जिस दल का मजबूती है वहाँ वहाँ वो दलों को सीट शेयरिंग मिलना चाहिए, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है अनरीजनेबल है कुछ आपके अलायंस पार्टनर्स के डिमांड्स विदर्भ या मुंबई के ऊपर है? आखिरी कार्यकर्ताओं का प्रेशर सबके ऊपर रहता है और कार्यकर्ताओं पे प्रेशर जब रहता है तो लीडर लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन अब महाराष्ट्र बचाना ये सबसे बड़ा महत्व का है और हमें लगता है कि अब प्रश्न सवाल होगा तो फॉर्मूला क्या होगा और कब डिसाइड होगा, फॉर्मूला क्या होगा कांग्रेस NCP सेना का फॉर्मूला? दो दिन में आपको सब पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन फिर भी आप कितने सीट, 125 130? हम 288 जगह महाविकास अघाड़ी लड़ेंगे। हाँ, और से कब डिसाइड होगा, अनाउंसमेंट कब होगा, आज होगा कल होगा? कल या परसों होगा। और अब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करते हैं जिसके 9 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। बाला नंदगांवकर हैं जो शिवडी से लड़ेंगे, दिलीप बाबू धोत्रे हैं जिन्हें पंडरपुर से टिकट दिया गया है। तो ये राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 9 उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। संतोष भाई नागार गोजे लातूर ग्रामीण से मैदान में होंगे, बंधु भाव कुटे हिंगोली से, राजू भाई उंबरकर वाणी से, सचिन दादा भोयर राजूरा से, मंदीप भाव रोडेश चंद्रपुर शहर, राजू दादा पाटिल कल्याण ग्रामीण से, अविनाश जाधव थाने शहर से, और इस लिस्ट में राज ठाकरे के बेटे का नाम नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई है। मुंबई के अंधेरी पूर्व और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग्स लगाई गई है। खास बात यह है कि इस होर्डिंग्स पर योगी की तस्वीर के साथ एक स्लोगन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। इस पोस्टर के साथ ही हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में भी योगी की एंट्री हो गई है और देखना होगा कि क्या स्टार प्रचारकों में योगी भी होंगे, क्योंकि हर जगह चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल होता है।